अस्सलाम वालेकुम। सेल ऑर्गेनल्स से स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। सेल ऑर्गेनल्स में सबसे पहला है हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम इज ए नेटवर्क ऑफ चैनल्स और ट्यूब्यूल्स इन कॉन्टैक्ट एंड एक्सटेंडिंग बिटवीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन ऑफ ऑल यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, अब इन दो लाइंस में बहुत कुछ लिखा हुआ है, हमें इसे स्टेप बाय स्टेप समझना है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको वर्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब बताती हूँ। एंडो का मतलब होता है विद इन इनसाइट, ठीक है, प्लाज्मिक प्लाज्मा के अंदर। ठीक है, यानी कि सेल का प्लाज्मा क्या है, साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये कहाँ होता है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। ठीक है, फिर रेटिक्यूलम क्या, आपके पास ये जो चैनल्स हैं या ये जो ट्यूब्यूल्स हैं, ये आपके रेटिक्यूलम है। ठीक है, तो चैनल्स और ट्यूब्यूल्स विद इन या इनसाइड साइटोप्लाज्म वो कहलाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो बेसिकली इसके नाम में ही इसकी डेफिनेशन है। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम इज अ नेटवर्क ऑफ चैनल्स और ट्यूब्यूल्स। ठीक है, पूरा नेटवर्क है। ठीक है, पूरा नेटवर्क यानी कि पूरा जंजाल बना हुआ है। अभी आप लोग इसकी डायग्राम देखोगे आपको क्लियर होगा। ठीक है, पूरा नेटवर्क होता है यानी कि बहुत सारे चैनल्स होते हैं या बहुत सारे जो है, अब ये चैनल्स ही जो है ट्यूब्स की फॉर्म में। ठीक है, तो बहुत सारे ट्यूब्यूल्स होते हैं इसमें। ठीक है, और ये सारे आपस में इन कॉन्टेक्ट होते हैं। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ऐसे चैनल्स के ऐसे ट्यूब्यूल्स का नेटवर्क है जो आपस में इन कॉन्टेक्ट है और जो एक्सटेंड हो रहे हैं नेटवर्क या ट्यूब्यूल्स। कहाँ एक्सटेंड हो रहे हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका सेल है। ठीक है, सेल में ये आपका न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस के ऊपर ये रही आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल के ऊपर ये रही आपकी सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये है आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ये है आपकी सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, कह रहे हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक एक्सटेंड हुआ हुआ है, फैला हुआ है। यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से स्टार्ट हो रहा है और ये कहां तक के फैला हुआ है, ये सेल मेम्ब्रेन तक फैला हुआ है। ठीक है, इस लफ्ज में हम इस लाइन में हमसे ये कहना चाह रहे हैं। और ये किन सेल्स में होता है, ये यूकैरियोटिक सेल्स में होता है। यानी कि ऐसे सेल्स जो कम्प्लीटली डेवलप्ड हैं, जिनका न्यूक्लियस कम्प्लीटली डेवलप्ड है, जिनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, जिनमें ऐसे ऑर्गेनल्स जो मेम्ब्रेन बाउंड है, चाहे वो सिंगल मेम्ब्रेन हो या डबल मेम्ब्रेन हो, वो तमाम फुली डेवलप्ड है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉम्पोनेंट्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। इसके कॉम्पोनेंट्स हमारे पास सिस्टर्नी, वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स। ठीक है, बात करते हैं सिस्टर्नी की। सिस्टर्नी, दीज आर लॉन्ग फ्लैटेंड एंड अनब्रांच्ड यूनिट्स अरेंज्ड इन स्टॉक। ठीक है, ये लंबी लंबी फ्लैट सी और अनब्रांच्ड यूनिट्स होती हैं। सिस्टर्नी की ब्रांचेस नहीं होती हैं। ठीक है, और ये स्टॉक में यानी कि गुच्छे में अरेंज हुई हुई होती हैं। ठीक है, डायग्राम में लेबलिंग के थ्रू मैं आपको ये सारी चीजें समझाऊंगी, अभी आप वर्ड्स को समझ लें। वेसिकल्स क्या है, दीज आर ओवल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स। ये ओवल शेप के होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में। ठीक है, और ये मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी कि इनकी अपनी मेम्ब्रेन होती है। नेक्स्ट, ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स में हमसे कह रहे हैं कि दीज आर इरेगुलर। ये इरेगुलर होते हैं यानी कि इनकी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती है। ऑफन ब्रांच्ड ट्यूब्स बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन। अक्सर ये जो ट्यूब्यूल्स होती हैं ये ब्रांच्ड होती हैं। ठीक है, सिस्टर्नी क्या है, सिस्टर्नी लॉन्ग फ्लैटेंड है, ये इरेगुलर है। सिस्टर्नी अनब्रांच्ड है, ये ऑफन ब्रांच्ड है। ठीक है, ब्रांच्ड ट्यूब्स हैं और इनकी अपनी मेम्ब्रेन भी है, जबकि सिस्टर्नी में मेम्ब्रेन की बात नहीं हुई भी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं ट्यूब्यूल्स में भी फ्री और कनेक्टेड विद सिस्टर्नी। ट्यूब्यूल्स ऐसा भी हो सकता है कि इंडिविजुअल प्रेजेंट हो, अलग से प्रेजेंट हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ट्यूब्यूल सिस्टर्नी के साथ अटैच हुए हो, कनेक्ट हुए हो। ठीक है, नेक्स्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिवाइड्स द इंट्रा सेल्यूलर स्पेस इंटू टू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, जो इंट्रा सेल्यूलर स्पेस है यानी कि आपके सेल के अंदर वाली जो स्पेस है, सेल के अंदर वाली जो जगह है, उसे दो अलग अलग डिस्टिंक्ट, दो अलग अलग कंपार्टमेंट्स, हिस्सों में बांट देता है। फॉर एग्जाम्पल, जिनमें से एक है आपके पास ल्यूमिनस और ल्यूमिनल और एक है आपके पास एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। यानी कि ये आपका सेल है, सेल में ये न्यूक्लियस है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सेल मेम्ब्रेन तक के। एक होगा आपका ल्यूमिनल, ल्यूमिनल कहाँ होगा, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के अंदर वाला हिस्सा होगा। ठीक है, और एक है आपका एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। एक्स्ट्रा ल्यूमिनल मतलब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के अंदर नहीं है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के बाहर है। और ऑब्वियसली बाहर ये पूरा क्या फैला हुआ है, साइटोप्लाज्म फैला हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है। नेक्स्ट, टाइप्स। There are two types of endoplasmic reticulum, rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum.
नेक्स्ट मूव करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इन स्केलेटल एंड कार्डियक मसल्स, जितने भी हमारे स्केलेटल मसल्स हैं यानी कि हमारे स्केलेटन पर जितने भी मसल्स हैं, हमारी बोन्स पर जितनी भी मसल्स हैं और हमारे जितने भी कार्डियक मसल्स हैं यानी कि जितने भी हमारे हार्ट मसल्स हैं, एज अ बायो स्टूडेंट आपको कार्डियक का मतलब पता होना चाहिए. जहां पर भी कार्डियक है इसका मतलब हार्ट की बात हो रही है, ठीक है. जितने भी हमारे हार्ट मसल्स हैं, ठीक है, वहां पर देखो इन स्केलेटन कार्डियक मसल सेल्स SER, SER क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ठीक है. SER इज नोन एज सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ठीक है. अगर हम देखो सबसे पहले तो ये कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के, रफ और स्मूथ. बात कर रहे हैं हम स्मूथ की. स्मूथ कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगे? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे स्केलेटल मसल्स में प्रेजेंट होंगे और हमारे कार्डियक मसल्स में प्रेजेंट होंगे. और जब भी हमारे स्केलेटल और कार्डियक मसल्स में प्रेजेंट होंगे तो वहां ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कहलाएंगे, ठीक है, SR. नेक्स्ट आ जाओ, दीज स्टोर कैल्शियम आयंस इन देयर ल्यूमेन. ल्यूमेन हम पढ़ चुके हैं, ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के अंदर वाला हिस्सा, ठीक है. तो ये अपने ल्यूमेन में क्या स्टोर करते हैं, स्केलेटल और कार्डियक मसल्स में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कहला रहा है, वो अपने ल्यूमेन में कैल्शियम आयंस स्टोर करता है. इफ मैनी राइबोसोम्स आर अटैच्ड ऑन द स्मॉल पैरेलल स्टर्नी ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, देन इट इज कॉल्ड अ गैस्ट्रोप्लाज्म. यहां पर एक बात हमारी खत्म हो गई है. अब आ जाओ दूसरी बात पर. वैसे एक बात आगे डायग्राम दिखाने से पहले मैं आपको बताऊंगी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम पर राइबोसोम्स नहीं होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम पर राइबोसोम्स अटैच होते हैं, ठीक है. स्मूथ पर ना होने के बराबर होते हैं, ठीक है. रफ पर बहुत ज्यादा राइबोसोम्स अटैच होते हैं, ठीक है. राइबोसोम्स भी आगे, राइबोसोम भी एक सेल ऑर्गेनेल है, इसे भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है. इफ मैनी राइबोसोम्स आर अटैच्ड ऑन द स्मॉल पैरेलल सिस्टर्नी ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. सिस्टर्नी के बारे में हम पढ़ चुके हैं. सिस्टर्नी क्या है? सिस्टर्नी आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में फ्लैटेंड और अनब्रांच्ड यूनिट्स हैं, ठीक है, और ये स्टॉक में गुच्छे में अरेंज होती हैं, ठीक है. सिस्टर्नी को भी हम डायग्राम में भी देख लेंगे. बाकी इधर देखो, हमसे कह रहे हैं कि अगर आपके स्मॉल पैरेलल सिस्टर्नी में, मतलब हमने पढ़ा है कि गुच्छे में अरेंज होती है, ठीक है, ये है एक सिस्टर्नी, इसके पैरेलल ये रही दूसरी सिस्टर्नी, ठीक है. अगर इस तरह से पैरेलल, पैरेलल मतलब आमने सामने दो सिस्टर्नीज आपस में अरेंज हुई हुई है, ठीक है, और उनके ऊपर बहुत सारे राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली एक बात तो समझ में आ गई, राइबोसोम्स होंगे तो वो क्या होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होगा, ठीक है. लेकिन ऐसा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जिसके सिस्टर्नी पर बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच होंगे वो कहलाएगा एगैस्ट्रोप्लाज्म, ठीक है. एक हम लोगों ने पढ़ा साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम. साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? जब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्केलेटल कार्डियक मसल्स में है तो वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाएगा, ठीक है. अब एक हम पढ़ रहे हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में कि अगर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सिस्टर्नी पर बहुत ज्यादा राइबोसोम्स अटैच होंगे तो फिर वो एर्गैस्ट्रोप्लाज्म कहलाएगा. अब तीसरी बात यहां से स्टार्ट हो रही है. इन नर्व सेल्स द एर्गैस्ट्रोप्लाज्म इज नोन एज निसल्स बॉडी. अगर यही एर्गैस्ट्रोप्लाज्म यानी कि यही रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जिसके सिस्टर्नी के ऊपर बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच हैं, वही अगर नर्व सेल्स में प्रेजेंट है, हमारे नर्व्स के सेल्स में प्रेजेंट है, या फॉर एग्जांपल हमारे न्यूरॉन्स में प्रेजेंट है, अगर हमारी नर्व्स के सेल्स में प्रेजेंट है, ठीक है, हमारे नर्वस सिस्टम के सेल्स में प्रेजेंट है, तो वो कहलाएगा एर्गैस्ट्रोप्लाज्म जो होगा वो कहलाएगा निसल्स बॉडी, ठीक है. तो यहां पर हमने तीन चीजों के बारे में पढ़ा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, एर्गैस्ट्रोप्लाज्म जिन्हें मैं दो दफा रिपीट कर चुकी हूं. अब अगर वही एर्गैस्ट्रोप्लाज्म आपके नर्व सेल्स में प्रेजेंट होगा तो वो कहलाएगा निसल्स बॉडी, ठीक है. नेक्स्ट पेज पर मूव करते हैं. ये रहा हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. इसके डायग्राम को देखें गौर से. तो सबसे पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको दिखाऊंगी. ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है. देखो गौर से देखो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसे जो है लेबल किया हुआ है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है. ये डायग्राम रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है. सबसे पहले देखो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसे कहा गया. ये है पूरा हिस्सा आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अगर आप इसमें देखें तो इस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर आपको कोई राइबोसोम्स नजर नहीं आ रहे हैं, ठीक है. लेकिन इसके बनिस्बत अगर मैं बात करूं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, ठीक है, जो यहाँ पर लेबल हुआ हुआ है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये पूरा पार्ट है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इसके ऊपर देखें ये कितने सारे राइबोसोम्स, 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 देखें लेबल भी हुआ हुआ है कि ये क्या है, ये राइबोसोम्स हैं. तो पूरे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर क्या है, राइबोसोम्स हैं.
ठीक है। अच्छा ये देखो, ये न्यूक्लियर एनवेलप है, यानी कि इधर अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। न्यूक्लियस के साइड पर ये न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ ये स्टार्ट हो रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और यहाँ पर ऑब्वियसली प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी या सेल मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक के पूरा फैला हुआ है, ठीक है। ये देखें अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट बातें थी हमने यहाँ पर देख ली है, ठीक है। ये कहलाते हैं आपके ट्यूब, ये जो है ना, ये जो है आपके, ये कहलाते हैं आपके ट्यूब्यूल, ठीक है। और ये जो है, ये कहलाते हैं आपके सिस्टर्नी, ठीक है। ये देखें ट्यूब्यूल्स, अगर आप गौर से देखें तो ट्यूब्यूल्स में आपको कुछ ब्रांचेस भी नजर आ रही हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस वाले ट्यूब्यूल की बात करूं तो ये देखें इसमें मुझे 3-4 ब्रांचेस नजर आ रही हैं, ठीक है। इसमें भी मुझे ब्रांचेस नजर आ रही हैं, लेकिन अगर मैं सिस्टर्नी की बात करूं तो मुझे इसमें ब्रांचेस नजर नहीं आ रही है, ठीक है। इसमें ब्रांचेस नजर नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये है मेरे पास ट्यूब्यूल्स और सिस्टर्नी, ठीक है। आगे मूव करते हैं, आगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक क्विक सा डिफरेंसेस के फॉर्म में दोनों को समराइज कर लेते हैं। इसमें कुछ इक्का दुक्का बातें हमें एक्स्ट्रा भी देखने को मिलेंगी, बाकी वही सारी चीजें समराइज होंगी और हमारे कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो जाएंगे। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, सबसे पहली चीज, राइबोसोम्स आर अटैच्ड विद देयर आउटर सरफेस। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम पर राइबोसोम्स अटैच है, हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, हम डायग्राम में भी देख चुके हैं। राइबोसोम्स आर नॉट अटैच्ड विद देयर आउटर सरफेस, इनमें राइबोसोम्स अटैच नहीं होंगे। अच्छा जी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम आर मोर स्टेबल स्ट्रक्चर। अब ये आपको याद रखना पड़ेगा कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ज्यादा स्टेबल है, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम लेस स्टेबल है। स्टेबल का मतलब क्या होता है? स्टेबल का मतलब हमें पता है, जो मतलब अपने लिए काफी है, जिसको बाहर से किसी चीज की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम बाहर ज्यादा स्टेबल है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को मतलब हेल्प की ज्यादा जरूरत है, ये लेस स्टेबल है, अगर मैं बिल्कुल सिंपल वर्डिंग्स में कहूं तो, ठीक है। बाकी आज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम मेनली कंपोज्ड ऑफ सिस्टर्नी एंड वेसिकल्स। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में ज्यादातर सिस्टर्नी और वेसिकल्स होते हैं, ये बात हमने देखी। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में ही मैंने आपको सिस्टर्नी हाईलाइट करके दिखाए थे, जबकि आज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम वाले हिस्से में मैंने आपको ट्यूब्यूल्स हाईलाइट करके दिखाए थे। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में ज्यादातर क्या प्रेजेंट होते हैं? ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। रफ में सिस्टर्नी और वेसिकल्स ज्यादा है, स्मूथ में ट्यूब्यूल्स ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि बाकी चीजें होंगी ही नहीं, लेकिन ये मेनली इनसे कंपोज होंगे। मेनली इनके अंदर सबसे ज्यादा मेन इनके अंदर सिस्टर्नी वेसिकल्स होगा रफ में, और मेनली ज्यादातर स्मूथ में क्या होगा? ट्यूब्यूल्स होंगे, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमसे कह रहे हैं abundantly occur in cells which are actively engaged in protein synthesis and secretion. अच्छा जी, एक बात, अभी हम आगे राइबोसोम्स पढ़ेंगे तो वहां पर आप बहुत अच्छे से देखेंगे कि राइबोसोम्स क्या कहलाते हैं। एक एक्स्ट्रा बात मैं आपको पहले से मतलब एक बात बता रही हूँ बस, कि राइबोसोम्स क्या कहलाते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल कहलाते हैं, ठीक है। राइबोसोम्स में क्या बनता है? राइबोसोम्स का काम है प्रोटीन बनाना। अब राइबोसोम्स अगर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर प्रेजेंट है तो वो अपना काम तो करेंगे, वो प्रोटीन बनाएंगे। अगर वो प्रोटीन बनाएंगे तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम भी ऑब्वियसली प्रोटीन की सिंथेसिस से कहीं ना कहीं इनका भी लिंक हो जाएगा। इसीलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम अबंडेंटली ज्यादा अमाउंट में ऐसे सेल्स में पाए जाते हैं जो एक्टिवली मसरूफ होते हैं प्रोटीन बनाने में, यानी कि ऐसे तमाम सेल्स जो प्रोटीन बनाने में और प्रोटीन को सिक्रेट करने में मसरूफ होते हैं, ऐसे तमाम सेल्स जिनका फंक्शन है, जिनकी जिम्मेदारी है प्रोटीन बनाना और प्रोटीन सिक्रेट करना, उन सेल्स में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम बहुत ज्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में राइबोसोम्स होते हैं और राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस और सिक्रीशन में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, ठीक है। अब प्रोटीन की सिंथेसिस और सिक्रीशन कहाँ कहाँ हो रही होती है, बॉडी के किन पार्ट्स में होती है, ये एग्जांपल्स आपको पता होनी चाहिए। लिवर में होती है, पैंक्रियाज में होती है और गॉबलेट सेल्स में होती है। नेक्स्ट आ जाओ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। इसका जो है हमारा लास्ट पॉइंट वो ये है कि अबंडेंटली अकर इन द सेल्स कंसर्न्ड विद ग्लाइकोजन एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म। ये ऐसे सेल्स में सबसे ज्यादा पाए जाएंगे जो सेल्स ग्लाइकोजन, जिस तरह स्टार्च प्लांट्स की बॉडी का स्टोर्ड फूड है, उसी तरह एनिमल्स की बॉडी का स्टोर्ड फूड है ग्लाइकोजन। ये बात हम पीछे भी किसी लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो ग्लाइकोजन की और लिपिड की मेटाबॉलिज्म, मतलब नॉर्मल जितने भी फंक्शंस हैं, इनकी सिंथेसिस, इनकी ब्रेकडाउन, इनकी डाइजेशन, इनकी एक्सक्रीशन, डिफरेंट मेटाबॉलिज्म में तो डिफरेंट प्रोसेसेस बॉडी के डिफरेंट रिएक्शंस आ सकते हैं,
तो जहां जहां जिन जिन सेल्स में ग्लाइकोजन और लिपिड का मेटाबॉलिज्म हो रहा है, ये उनमें सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। अब ग्लाइकोजन और लिपिड का मेटाबॉलिज्म बॉडी के किन किन पार्ट्स में होता है? एडिपोज टिश्यूज में होता है, मसल्स में होता है, लिवर सेल्स में भी हो सकता है, और साथ ही साथ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम देखो कहाँ प्रेजेंट है। अब चीजों को कनेक्ट करना, ये तो एग्जाम्पल्स हो गए कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम यहाँ यहाँ प्रेजेंट है, मतलब कि यहाँ यहाँ प्रोटीन की सिंथेसिस और सिक्रीशन होती है, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम यहाँ यहाँ प्रेजेंट है, मतलब यहाँ यहाँ मेटाबॉलिज्म होती है ग्लूकोज और लिपिड की, ठीक है। ये तो एग्जाम्पल्स हैं कि इन इन पार्ट्स में काम हो रहे हैं, तो यहाँ यहाँ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम इन इन सेल्स में प्रेजेंट है। लेकिन अब कनेक्ट करना, जैसे कि यहाँ पर हमने कनेक्ट किया था कि इनमें राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स का काम है प्रोटीन सिंथेसिस, इसलिए ये इन सेल्स में प्रेजेंट है। उसी तरह यहां पर भी एक छोटा सा कनेक्शन है, जैसे लिवर सेल्स, लिवर सेल्स लिवर के फंक्शन में अगर आप जाकर पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे कि लिवर सेल्स क्या करवाते हैं, जितने भी टॉक्सिंस हैं, टॉक्सिन का मतलब सिर्फ जहर नहीं है, हर वो चीज जो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकती है वो है टॉक्सिन, आपकी बॉडी के लिए टॉक्सिन। और आपने कोई दवाई खाई है उसको उसके जो हार्मफुल उसको उसका मेटाबॉलिज्म करवाने के बाद, उसके रिएक्शंस परफॉर्म करवाने के बाद उसको एक्सक्रीट करवाना, उसके हार्मफुल मॉलिक्यूल्स को एक्सक्रीट करवाना, ये लिवर का काम होता है। आपने कोई जहरीली चीज खा ली है, मुमकिन हद तक जहां तक लिवर उसको मेटाबोलाइट करके रिमूव करवा सकता है, ये लिवर का काम है। या आपने कोई भी ऐसी चीज खाई हुई है, या आपने यूजफुल चीज भी खाई हुई है, लेकिन उससे उसमें कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है, ये लिवर उसमें से टॉक्सिन्स को, उन हार्मफुल चीजों को रिमूव करवाता है, लिवर उनका मेटाबॉलिज्म करवाता है, फिर उन्हें किडनी के पास फेंकता है, ठीक है। तो लिवर का काम है टॉक्सिन्स को रिमूव करवाना। जब लिवर टॉक्सिन्स को रिमूव करवा रहे हैं तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम अगर लिवर सेल्स में प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली ये भी एक्टिव पार्ट प्ले करेंगे टॉक्सिन्स को रिमूव करने में। यहाँ पर ये एक छोटा सा कनेक्शन है, ठीक है। आगे फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम स्टार्ट करते हैं। फंक्शंस में हमसे कह रहे हैं मैकेनिकल सपोर्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है भाई, किस तरह, अलोंग विद माइक्रोफिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोफिलामेंट्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। आई थिंक आगे इनके बारे में डिटेल में आएगा मजीद, ठीक है। तो माइक्रोफिलामेंट्स जितने भी हैं हमारी बॉडी में, माइक्रोफिलामेंट्स छोटे छोटे से फिलामेंट्स, ठीक है, और माइक्रोट्यूब्यूल्स छोटी छोटी सी ट्यूब्स, नाइन ट्यूब्स मिलकर एक स्ट्रक्चर बना रही होती हैं। सेंट्रियोल में आप ये पढ़ोगे, ठीक है, अभी आगे डिटेल में आने वाला है, ठीक है। तो माइक्रोफिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स का यहाँ पर जो जिक्र है, आपको यहाँ पर माइक्रोफिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स को इतनी डिटेल में नहीं देखना है, आगे सब कुछ आ रहा है। अभी आपने ये देखना है कि माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल का काम ये है कि वो सपोर्ट करते हैं आपके सेल को, ठीक है। तो माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूब उसके साथ साथ आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम भी मैकेनिकल सपोर्ट करता है आपके सेल को, आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम भी सपोर्ट प्रोवाइड करता है आपके सेल को मूवमेंट में या किसी भी काम में। एक मैकेनिक होता है, एक होता है केमिकल यानी कि रिएक्शंस में हेल्प करना, और एक है मैकेनिकल यानी कि फिजिकल हेल्प करना, ठीक है। तो फिजिकल सपोर्ट करता है आपके सेल को, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ इंट्रासेलुलर एक्सचेंज। इंट्रासेलुलर एक्सचेंज में क्या होगा, सेल के अंदर जितना भी एक्सचेंज हो रहा है उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम बहुत अहम किरदार अदा करेगा। किस तरह, द एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम फॉर्म्स इंट्रासेलुलर कनेक्टिंग सिस्टम। ये सेल के अंदर एक कनेक्टिंग सिस्टम बना लेता है, क्योंकि फैला हुआ है ना पूरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन तक के, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक के पूरा फैला हुआ है, ठीक है। तो एक कनेक्टिंग सिस्टम बना लेता है और ट्रांसपोर्ट करवाता है मटेरियल्स को सेल्स के एक पार्ट से लेकर दूसरे पार्ट तक के, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ कनेक्शन, ये भी कनेक्शन के ही सेंस में आएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आल्सो हेल्प्स इन कनेक्टिंग न्यूक्लियर मटेरियल विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस का जो मटेरियल है, अब ये देखो, अब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अब ये दोनों के दरमियान प्रेजेंट है। तो ये क्या करेगा, ये दोनों के दरमियान पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा, न्यूक्लियस से किसी चीज ने अगर बाहर आना होगा तो वो न्यूक्लियस से एक जो न्यूक्लियर मटेरियल है, ठीक है, वो आएगा यहां पर और फिर यहां से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसे पास करवाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक। रेफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। रेफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम पीछे पढ़ चुके हैं प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, क्यों, क्योंकि इनके ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं, किस पर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के ऊपर। और राइबोसोम्स का काम मैं बता चुकी हूँ प्रोटीन सिंथेसिस है, जब राइबोसोम्स का काम प्रोटीन सिंथेसिस है और राइबोसोम्स इन पर अटैच है तो ऑब्वियसली ये भी प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होंगे, ठीक है।
नेक्स्ट आ जाओ लिपिड सिंथेसिस. प्रोटीन सिंथेसिस कर लिया, लिपिड सिंथेसिस ये भी हम पढ़ चुके हैं. कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड आर सिंथेसाइज्ड बाय स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. हम पीछे डिफरेंसेस में पढ़ चुके हैं कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम लिपिड मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं. ठीक है, तो लिपिड सिंथेसिस जब हो रही होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपके लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करेगा. जिस तरह से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा, उसी तरह स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड सिंथेसिस में और कोलेस्ट्रॉल के लिपिड में अब ये सारी चीजें आ जाती हैं. आपके कोलेस्ट्रॉल हो गया, आपका फॉस्फोलिपिड हो गया. फॉस्फोलिपिड बायलेयर मेम्ब्रेन होती है हमारी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड बायलेयर होती है. हमारी सेल मेम्ब्रेन जो होती है फॉस्फोलिपिड बायलेयर होती है. ठीक है, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं. तो फॉस्फोलिपिड कैसे बना? फॉस्फोलिपिड की सिंथेसिस में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक हेल्प कर रहे हैं. ठीक है, बात हमने पहले भी पढ़ा था, जो ऊपर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सीक्रेट अपने सेल से ही होती है, अपने सेल के साइटोप्लाज्म से ही होती है. तो सेल के साइटोप्लाज्म में क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक क्या करवा रहा है? लिपिड की मेटाबॉलिज्म करवा रहा है, यानी कि वो फॉस्फोलिपिड की अब मेटाबॉलिज्म में, मैंने अभी पीछे भी बताया डिफरेंसेस में, कि हर चीज आ जाएगी, उसकी सिंथेसिस, उसकी डाइजेशन, उसकी एक्सक्रीशन, जो कुछ भी हो रहा है ठीक है, वो सब कुछ आ जाएगा. मेटाबॉलिज्म में तमाम रिएक्शंस आ जाते हैं जो उस मॉलिक्यूल्स को लेकर बॉडी में हो रहे हैं. ठीक है, तो क्या होगा? जो आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा वो फॉस्फोलिपिड की सिंथेसिस में हेल्प करेगा. ठीक है, और फिर फॉस्फोलिपिड बायलेयर मेम्ब्रेन आपकी बन जाएगी. नेक्स्ट है हमारे पास सेलुलर मेटाबॉलिज्म. द मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज. ठीक है, अब देखो आप, ये है आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दोनों के दरमियान इतनी सी जगह है, इतना सा सरफेस एरिया है. इतने से सरफेस एरिया में कितना ही काम हो जाएगा, लेकिन होता क्या है, जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसने ये एक सरफेस एरिया दिया, फिर ये 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 दिया, तो बेसिकली इतने ज्यादा फोल्ड्स होने की वजह से आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता क्या है, वो सरफेस एरिया इंक्रीज कर देता है. जब सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जब वो एरिया बढ़ जाता है, जब वो सरफेस बढ़ जाती है, जब वो जगह बढ़ जाती है जहां पर रिएक्शंस हो सकते हैं, तो फिर वहां पर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए जब जगह बढ़ जाती है आपके जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन पर, तो फिर क्या होता है, वहां पर ज्यादा से ज्यादा रिएक्शंस परफॉर्म होते हैं. ठीक है, जगह बढ़ जाती है, ज्यादा से ज्यादा रिएक्शंस होते हैं. ठीक है, और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन है वो ना सिर्फ सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है, बल्कि एक और काम करती है कि उसके पास कुछ एंजाइम्स होते हैं. कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं? अब ऐसा मेडिकल स्टूडेंट आपको ये भी पता होना चाहिए कि जिसके एंड में ASE आता हो वो एंजाइम का नाम है. सक्रेसिस, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेस, एनएडी डाइफॉस्फेटेस. ठीक है, इन सब के एंड में क्या रहे? ASAs. ठीक है, ये सारे क्या हैं? एंजाइम्स हैं. सक्रेसिस ऑब्वियसली क्या करेगा? सक्रोज की ब्रेक डाउन करेगा. ठीक है, इन सब एंजाइम्स का अपना अपना फंक्शन है, लेकिन यहाँ पर बताने का मकसद मेन ये है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन है उसका पहला फंक्शन ये है कि वो सरफेस एरिया इंक्रीज कर रही है. जब वो सरफेस एरिया बढ़ा रही है तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए जगह बढ़ रही है और ज्यादा से ज्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इजीली परफॉर्म हो रही है यहाँ पर. दूसरा जो मेन फंक्शन ये परफॉर्म कर रही है इसकी मेम्ब्रेन, वो ये कर रही है सेल के मेटाबॉलिज्म में जो दूसरा अहम फंक्शन, जो दूसरी हेल्प सेल्स के मेटाबॉलिजम्स में जो दूसरी हेल्प कर रही है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो ये कर रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन ये हेल्प कर रही है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन में कुछ एंजाइम्स होते हैं और ऑब्वियसली एंजाइम्स कोई ना कोई फंक्शंस परफॉर्म करवाते हैं, कोई ना कोई मेटाबॉलिज्म करवाते हैं. ठीक है, तो ये क्या है? ये आपका सेलुलर मेटाबॉलिज्म में दो तरह से हेल्प कर रही है. नेक्स्ट आ जाओ, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ठीक है, अब ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में भी हेल्प करती है. भाई किस तरह? फ्रेगमेंटेड एलिमेंट्स ऑफ डिसइंटीग्रेटेड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. अब इसको थोड़ा सा हमें आहिस्ता आहिस्ता समझना पड़ेगा. फ्रेगमेंटेड का मतलब कि पीसेस पीसेस में, पीसेस पीसेस में जो डिसइंटीग्रेटेड टूटी हुई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कब टूटती है? जब सेल डिवीजन हो रही होती है, माइटोसिस हो रहा हो, मियोसिस हो रहा हो, जो भी हो रहा हो, जब सेल डिवाइड हो रहा है तो सेल के डिवीजन के दौरान क्या होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटेगी और जो न्यूक्लियर मटेरियल होगा वो न्यूक्लियर मटेरियल डिवाइड हो जाएगा. फाइनली एक की जगह दो दो में डिवाइड हो जाएगा और फिर उनके अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आएगी और साइटोप्लाज्म बनेगा और पूरा जो है सेल नेक्स्ट कंप्लीट हो जाएगा और इस तरह एक 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 न्यूक्लियर मटेरियल से दो सेल्स बन जाएंगे. ठीक है, यह हम माइटोसिस मियोसिस में डिटेल में पढ़ेंगे. जिन्हें बिल्कुल भी इस बारे में नहीं पता है उन्हें बस मैं थोड़ा सा बेसिक सा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि जब आपका सेल डिवाइड हो रहा होता है तब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटती है, तब
ताकि उसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल है, जो जेनेटिक मटेरियल है, वो दोनों सेल्स में इक्वली जा सके। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं माइटोसिस की बात कर रही हूँ, ठीक है, दोनों सेल्स में इजीली जा सके, उसके लिए क्या होगा, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटेगी। अब जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटेगी तो वो कहलाएगी डिसइंटीग्रेटेड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, डिसइंटीग्रेटेड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के जो टुकड़े टुकड़े हैं, जो फ्रेगमेंट्स हैं, वो ये हो गई पहली चीज। ठीक है, फ्रेगमेंटेड एलिमेंट्स ऑफ डिसइंटीग्रेटेड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये हो गई पहली चीज। ठीक है, ये और एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ये हो गई दूसरी चीज। ये दोनों चीजें मिलकर क्या करती हैं, ये दोनों चीजें मिलकर अरेंज होती हैं। कहाँ अरेंज होती है, क्रोमोसोम्स के आसपास अरेंज होती है। क्रोमोसोम्स क्या है, हमारा जेनेटिक मटेरियल है क्रोमोसोम्स। ठीक है, क्रोमोसोम्स के आसपास ये दोनों चीजें मिलकर अरेंज होती हैं, टूटी हुई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पीसेस और एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ये दोनों मिलकर हमारे क्रोमोसोम के आसपास अरेंज होते हैं और नई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना लेते हैं जब सेल डिवाइड हो रहा होता है। तब जब सेल डिवाइड होगा एक की जगह दो में, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटेगी लेकिन दोनों सेल्स पर दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की जरूरत पड़ेगी, दोनों सेल्स के न्यूक्लियस पर दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, तो क्रोमोसोम्स के आसपास ये दोनों चीजें मिलकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना लेंगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनल्स। ठीक है, ऑर्गेनल्स के फॉर्मेशन में भी हेल्प करिए भाई, किस तरह, ऑल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स, ऑर्गेनल्स सेल के कॉम्पोनेंट, सेल के हिस्से, हम पढ़ चुके हैं माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गॉल्जी बॉडीज, ये सब क्या है, ऑर्गेनल्स हैं सेल के। ऐसे तमाम ऑर्गेनल्स जो मेम्ब्रेनस हैं, ऐसे तमाम ऑर्गेनल्स जिनके ऊपर अपनी अपनी मेम्ब्रेन हैं, सिवाय माइटोकॉन्ड्रिया के, भाई माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर भी मेम्ब्रेन होती है लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम माइटोकॉन्ड्रिया की फॉर्मेशन में हेल्प नहीं करते हैं। बस माइटोकॉन्ड्रिया को छोड़कर बाकी जितने भी मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के साथ साथ सॉरी क्लोरोप्लास्ट को भी छोड़कर, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट इन दोनों को छोड़कर बाकी सेल के जितने भी ऐसे ऑर्गेनल्स हैं जिनके ऊपर मेम्ब्रेन है, ऐसे ऑर्गेनल्स की फॉर्मेशन में कौन हेल्प कर रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे ऑर्गेनल्स को बनाने में मदद कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इसका लास्ट जो हम पढ़ चुके हैं, डिटॉक्सिफिकेशन। टॉक्सिक क्या है, जहर, कोई भी हार्मफुल चीज, कोई भी जहरीली चीज, कोई भी हार्मफुल चीज, बेशक वो एग्जैक्टली डायरेक्टली जहर ना हो लेकिन आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता हो तो वो आपकी बॉडी के लिए टॉक्सिक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका वेस्ट मटेरियल भी आपकी बॉडी में ही रह जाए ना, जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट है, वो फीसिस के थ्रू या वॉशरूम के थ्रू आपकी बॉडी से बाहर ना निकले तो वो भी आपकी बॉडी के लिए टॉक्सिक हो जाएगा, उसमें भी सारी हार्मफुल चीजें, बेशक वो आपने अच्छा अच्छा खाना खाया था उसी से जो है आपका वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, बट फिर भी वो आपकी बॉडी के लिए टॉक्सिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो आपकी बॉडी के लिए नुकसानदेह। ठीक है, तो तमाम टॉक्सिक चीजों की डिटॉक्सिफिकेशन करवाना, तमाम टॉक्सिक चीजों को रिमूव करवाना, उन्हें खत्म करवाना, डी खत्म करवा देना, ये कहलाता है डिटॉक्सिफिकेशन। और हम पढ़ चुके हैं कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिवर सेल्स में प्रेजेंट होता है, लिवर का काम है डिटॉक्सिफिकेशन करवाना, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। ये बात हम अभी पीछे डिफरेंसेस में इसी लेक्चर में पढ़ चुके हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर कंसर्न्ड विद डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स का मतलब कोई चर्स वगैरह नहीं है, ड्रग्स बायो में हम कहते हैं कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल, कोई भी ऐसा सब्सटेंस, कोई भी ऐसा कंपाउंड जो आप, मतलब जो आप मेडिसिन खा रहे हो, जो आप दवाई के तौर पर खा रहे हो, वो भी आपकी क्या है, ड्रग्स है। ठीक है, तो ड्रग्स की डिटॉक्सिफिकेशन करवाना, ठीक है, ड्रग्स से उनसे जो आपको हार्म पहुंच सकता है, ठीक है, क्योंकि हर ड्रग का कोई ना कोई साइड इफेक्ट भी होता है और अगर वो आपकी बॉडी में ही रह जाए, अगर वो ड्रग कंप्लीटली मेटाबोलाइज ना हो, अगर वो ड्रग की ब्रेक डाउन ना हो, अगर उस ड्रग की यूजफुल चीजों की एब्जॉर्प्शन ना हो, हार्मफुल चीजों की एक्सक्रीशन ना हो, तो वो ड्रग आपके लिए जहर बन जाएगी। ठीक है, तो उस ड्रग की डिटॉक्सिफिकेशन करवाना, ना सिर्फ ड्रग के जितने भी पॉल्यूटेंट्स हैं, जितनी भी ऐसी चीजें, जितने भी ऐसे सब्सटेंसेस जो आपकी बॉडी में आकर पॉल्यूशन कॉज करवा रहे हैं, जो आपकी बॉडी में आकर आलूदगी कर रहे हैं, जो आपकी बॉडी में कोई भी खराबी कर रहे हैं, उन तमाम पॉल्यूटेंट्स की डिटॉक्सिफिकेशन करवाना, तमाम टॉक्सिन्स की डिटॉक्सिफिकेशन करवाना, तमाम स्टेरॉइड्स की डिटॉक्सिफिकेशन, तमाम ऐसी चीजों की डिटॉक्सिफिकेशन करवाना जो आपकी बॉडी के लिए नुकसानदेह है।
ये किसका काम है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है, ठीक है। तो इसमें रफ और स्मूथ दोनों के जो है मिक्स है। और मेरी आप मे, मे, मेरी तरफ से एक टिप आप लोगों के लिए ये है, हालांकि कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक छोटा सा जो है एक छोटी सी एडवाइस है कि आप स्मूथ के डिफरेंसेस को अलग कर लो, रफ के डिफरेंसेस को अलग कर लो, और कुछ ऐसे जो इनके कंबाइंड भी है, जैसे सरफेस एरिया वाला हो गया, सेलुलर मेटाबॉलिज्म वाला पॉइंट, ये मेम्ब्रेन वाला पॉइंट है, ठीक है। तो मेम्ब्रेन तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की, चाहे वो स्मूथ की हो, रफ की हो, वो फेस एरिया इंक्रीज करें, ठीक है। कुछ कंबाइंड भी है लेकिन कुछ अलहदा अलहदा भी है। तो आप इनको थोड़ा अच्छे तरीके से, इस तरह जिस तरह आप चीजों को लिंक करके एक साथ पढ़ रहे हैं, उसी तरह आप थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करके भी पढ़ा करें, इस तरह से चीजें मजीद क्लियर होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटेल में कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट है हमारे राइबोसोम्स, हम इंशाल्लाह इसे नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के किसी भी पॉइंट में कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें ताकि दूसरों की भी हेल्प हो सके, मुझे भी मोटिवेशन मिले, मेरी भी सपोर्ट हो, ठीक है। और बस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।